अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एक फैसला लिया गया, जिसमें उनके द्वारा यह कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय ने एक अंतिम आदेश जारी कर किसी भी राज्य में आगामी 1 अक्टूबर तक बुलडोजर का इस्तेमाल कर विभिन्न अपराधों में संलिप्त होने के आरोप लगने पर लोगों की निजी संपत्ति के ढाए जाने पर रोक लगा दी है और आदेश यह दिया है कि इन 2 सप्ताह के अंतराल के बीच किसी भी आरोपी की निजी संपत्ति के विरुद्ध कोई भी राज्य सरकार बुलडोजर का इस्तेमाल नहीं कर सकती। तो इस तरीके का सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला लिया गया है और यह कहा गया है कि पिछले लगभग 2 वर्षों के दौरान कुछ राज्यों ने जिस प्रकार की बुलडोजर कार्रवाई करके केवल आरोप लगने पर ही संदिग्ध लोगों के मकान वाणिज्यिक प्रतिष्ठान धाराशायी किए जा रहे थे, उसे संविधान के नज़र में कानून से इतर कार्रवाई कहा जा रहा था, क्योंकि भारत में किसी भी अपराधी को सजा सुनाने का अधिकार केवल अदालतों के पास है। इस तरीके की बातें कही जा रही है।